Hello, good evening all. I'm happy to see such good response for our new initiative. I'm grateful to Mrs. Sunaina Kejriwal, Director of Kamal Nayan Bajaj Art Gallery, for showing faith in Cobalt Arts. Our next art book show and discussions will happen in collaboration with Kamal Nayan Bajaj Art Gallery. I'm happy to announce Cobalt Arts' new initiative, SAMVAAD, which will include art talks, discussion on art, studio visits and many more. We are planning one activity every month. Information regarding these activities will be available on our website and Facebook page. So please do visit. Today is the first session of SAMVAAD. I am thankful to Mr. Ashok Bhowmick for accepting invitation for SAMVAAD's very first talk show. I would like to cite some of his work. As we all know that Ashok Bhowmick is a very renowned artist and his contribution to the field of art is very significant. Today he is going to talk on the topic in the Wonderland of Indian art. Since last four decades, he has been known for uniqueness of his paintings and also known as a master of cross-hatching technique. Besides the complex rendering, his paintings remain simple and uncomplicated, which you can view here. I would like to invite Mr. Ashok Bhowmick on stage and request him to take the show. मुंबई मेरे लिए एक दूसरा शहर भी रहा है क्योंकि 1977 से मैं यहाँ आता रहा और इस शहर में जब मुझे कोई भी नहीं जानता था नहीं पहचानता था और कई एग्जीबिशन मैंने किए हैं यहाँ पे कई लोगों से मिले एक बहुत लंबा सफर था इसके कुछ चित्र आप मैंने देखे पर इसके साथ ही साथ जो दिक्कत ये है कि द बेसिक प्रॉब्लम कि जो पेंटिंग की जो दुनिया है क्योंकि कुछ हमारे दोस्त थे जो कहानी लिखते थे कुछ ऐसे दोस्त थे जो कविता लिखते थे कुछ ऐसे थे नाटक करते थे पर उसके साथ जब मैं उनके पैरेलल अपने को खड़ा करता था तो मुझे लगता था कहीं कुछ गड़बड़ है बहुत समय से सोचता रहा कि गड़बड़ी आखिर है किस बात क्यों गड़बड़ है इसे तो ओनली फैक्टर दैट वी सेल पेंटिंग मुझे लगता कि नहीं आप जो लोग यहाँ बैठे हैं उसमें दो तरह के लोग हैं एक तो वो है जो पेंटिंग करते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो आर्ट लवर्स तो उनके साथ में उनके बारे में यही कहना चाहूंगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट इन इंडिया बट इट इज इवन मोर डिफिकल्ट टू बिकम एन आर्ट लवर इन इंडिया ये वो मुल्क है जहां पर हम लोग रहते हैं जहां पर जो बच्चा जो पूछता है कि अंकल ये बताइए कि आसमान में जो सात तारे दिखाई पड़ रहे हैं ये क्या है तो मैं उसे कहते सप्तर्षि बने और वो सप्तर्षि मतलब सात ऋषि मतलब दाढ़ी मूछे वाले मतलब वो सात तारा तो हमने क्या कहा तो दाढ़ी मूछे देखिए तो बेसिक प्रॉब्लम इन इंडिया दैट वी रिलेट एवरीथिंग विद अ स्टोरी और ये हम नहीं करते हमको बताया गया कि जो कुछ भी आपके आसपास है उसके पीछे कहानी पानी बरसा बहुत अच्छा पेड़ को निकला किसी ने पूछा कि ये क्या कहने इंद्रधनुष वो इंद्र जो है भगवान है वो पानी के बरसात के और इसके उसके और राम धनु बंगाल में राम धनु कहते हैं जहां पे आप गणेश पूजा करते हैं दुर्गा पूजा करते हैं और भी पूजा के मंदिर में शिव पूजा देखते हैं उस मंदिर में जाके एक बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचरल पीस देखते हैं और उसके सामने आंख बंद करके हाथ जोड़ लेते हैं उस मुल्क में सब कुछ हो सकता है आर्ट भी हो सकता है
आंख बंद करके आर्ट नहीं देखने की जगह आंख खोल के देखना। इस मुल्क में जिस दिन ये मंदिर के देवी देवता उठ के चल के म्यूजियम में दाखिल होंगे उस दिन हम समझ पाएंगे कि आर्ट कैसे। सो इट इज रियली वंडरलैंड। इस ये प्रॉब्लम अगर कभी खाली समय मिले तो सोचिएगा कि एक यूरोपियन क्या ये प्रॉब्लम फेस करता है। तो इसी प्रॉब्लम के ऊपर हम आज बात करेंगे कि जहां तक हिस्ट्री का भी सवाल है, मैं कोई आर्ट का स्टूडेंट नहीं हूं, मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ आज आपके साथ शेयर करूंगा, वो मेरे प्रॉब्लम है। और ऐसे बहुत सवाल हैं जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। अब हम जस्ट शेयर विद यू। अब इसको आप जानते हैं, मोहन जोदड़ो का ये डांसिंग दल रोज का है और 2500 BC, इसका मतलब आज से 4,500 साल पहले का है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे इतिहास, हम जब अपने इतिहास की बात करते हैं, जब इंडियन आर्ट की बात करते हैं, बिग वर्ड ऑल कैपिटल इंडियन आर्ट, तो सवाल पूछना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया एज सच। मोहन जोदड़ो की इस मूर्ति 4,500 साल पुरानी है, पर ये किसी भी आर्टिस्ट का इतिहास नहीं है। क्यों? क्योंकि 1919 में इसको खोद के निकाला गया, उसके पहले यानी कि जो 4,500 साल नोबडी न्यू अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कल्पचर, पर कहने को हम कहते हैं कि इट्स पार्ट ऑफ आवर इंडियन आर्ट। इसका मतलब क्या हुआ? 1926 में इस मूर्ति को तलाशा गया। आप सोच सकते हैं कल की बात, अगर आप देखें 1926 का मतलब राजा रवि वर्मा आए 1848 और चले भी गए, उनको पता ही नहीं रहा कि कुछ मोहन जोदड़ो नाम की कोई चीज है। एंड वी आर प्राउड फॉर हिस्ट्री। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ यूरोपियन आर्ट, मैं बाहर की बात करके अपने को छोटा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस चीज को विश्वास नहीं करता कि देयर इज समथिंग लाइक इंडिया इन व्हेन यू टॉक अबाउट आर्ट। और इंडिया से चल के एक बॉर्डर पड़ता है बागा, उसको क्रॉस करते हुए पाकिस्तान आर्ट। अगर ऐसे कल्चर बदलता और ऐसे आर्ट बदलते, तब तो तैयार रही कि पता नहीं किस मुल्क में कितने आर्ट बदलते रहेंगे। तो मोहन जोदड़ो के बाद एक उसी समय हड़प्पा का ये प्रिंस किंग प्रीस्ट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दो शब्द इसमें आते हैं इसके नाम में, एक है किंग और एक है प्रीस्ट। एक वो राजा भी है और पुजारी भी है। तो इसको हम यही छोड़ के आगे बढ़ते हैं, इन राजा और पुजारी के संगम को, जो कॉम्प्लेक्स है, जो कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे। तो इसी तरह हम इंडियन आर्ट को देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि अजंता, अगेन अजंता 1819 को खोजा गया, और वो हमने नहीं खोजा, वो यूरोपियन आए थे, उन्होंने खोजा, खोज के पता है कि अजंता तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है भाई, उसका तो बहुत बढ़िया पेंटिंग है, एंड दे कॉल्ड इट एज अजंता पेंटिंग। हम लोग कहते हैं ना, आपकी पेंटिंग को देखा, आपकी पेंटिंग जो अजंता पेंटिंग दिया बोलते थे अजंता पेंटिंग, अजंता की दीवार के बाहर और गुफा के बाहर, आपको ये कहना चाहते हैं कोई पेंटिंग नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। बार बार एक नाम दे उसको एक कमरे के अंदर बंद कर देने की तबीयत हमारे हिंदुस्तान में खत्म होती रही है। इसीलिए हमने अजंता आर्ट, इसको मुगल आर्ट, ये सब नाम दिया जिसके साथ आम लोगों का कोई भी कहीं रिश्ता नहीं था। अजंता के एक और आर्ट बाघ, बाघ की गुफा की जो है इसकी भी, इसको भी खोज के निकाला मच रिसेंट, ये कल की बात है। पर जब हम आर्ट्स कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये एकदम एक लाइन से हमें हिस्ट्री को यूं भी नोट करते हैं कि चलिए साहब, हमने मोहन जोदड़ो से शुरू किया, ये आर्ट एक के बाद एक होता हुआ हमारे हिस्ट्री में आगे बढ़ा, पर ऐसा है नहीं। और इसीलिए हमारी जो हमारी समझ आर्ट के बारे में, ये अगर कम भी ना कहूं तो ये कह सकता हूं कि दूसरों से अलग है। इस पेंटिंग में दो लोग हैं और एक आदमी है जिसके 10 सर है, और दो जो लोग हैं उसमें एक नीला है और एक पीला है। हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है राम और लक्ष्मण है और ये रावण जी है। ये कहां लिखा, इस पेंटिंग में क्या लिखा हुआ है? दिस इज एक्चुअली नॉट ए पेंटिंग, इट्स इलस्ट्रेशन। ये कहीं टेक्स्ट अलग से लिखा हुआ है जिसको कि बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि रंग जो है राम जी का नीला है और इनका पीला है, उसके 10 सर होते हैं।
और उसको एस्टैब्लिश करते हैं जब पेंटिंग, तो इसका मतलब पेंटिंग उस रिलीजन की गुलामी कर रहा है, एक आर्ट फॉर्म एक रिलीजन की गुलामी कर रहा है, उसको अपने इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन का मौका नहीं दिया गया। और इसी तरह हम जानते हैं दुर्गा, दस आते गिन लीजिए आप दुर्गा कह देंगे। यू थिंक अबाउट इट, कोई जर्मन अगर आता है, अगर वो देखता है जिसको नहीं पता, तो हाउ यू विल रिएक्ट? मुझे लगता है ये आदमी बहुत किस्मतदार और भाग्यवान होगा जो इस पेंटिंग का जो फ्लैट सरफेस है उसको कहेगा कि क्या खूबसूरत फ्लैट सरफेस है, वो कहेगा कि क्लाउड्स को किस तरह कंपोज किया। तो दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू वन शुड लुक एट द पेंटिंग। ये नहीं है कि इसको दुर्गा मान के आप दंडवत हो जाए हाथ मंदिर में। इसको आगे बढ़ाते हुए मुगल आर्ट में हम देखते हैं कि मुगल आर्ट में यूजुअली वी फाइंड द पेंटिंग्स इन द वर्टिकल फॉर्मेट। दिस इज एक्चुअली एक इलस्ट्रेटेड टेक्स्ट, बाबरनामा देख लीजिए, अकबरनामा देख लीजिए, हम बात करेंगे कि बाएं कॉलम में तो लिखा कि अकबर की ताजपोशी हो रही है, फला कुछ हो रहा है, और दाहिने पेंटिंग बना ली, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। हालांकि है ये प्योर इलस्ट्रेशन, पर अकबर हो चाहे बाबर हो चाहे जहांगीर हो शाहजहां हो कोई भी हो, आई एम श्योर कि उनकी जो मिसेस है, उनकी जो पत्नियां होती थी, उनको भी नहीं पता था कि उनके हस्बैंड पेंटिंग बन रहा है। देन व्हाट टू, हाउ कैन यू कॉल इट एज इंडियन आर्ट? अंग्रेजों ने इसको एंटीक के हिसाब से दिया है, ऐसे संबंधित इसके में दिस वन अजंता एलोरा एंड मुगल आर्ट। आज मुगल आर्ट की जितनी पेंटिंग है उसके 90% पेंटिंग यूरोप के म्यूजियम में है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं, बिकॉज दे डोंट बिलोंग टू अस। आप इसमें आप अगर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि तानसेन अकबर के दरबार में गाना गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। अब वो गाना गाते थे, उनको चैलेंज करने वाला आदमी कौन था? बैजूबावरा। मान लीजिए कहानी है, पर बैजूबावरा को कोर्ट पैट्रोनेज नहीं मिला था, he was from the common man। तो वैसे ही अकबर के जमाने में जो अकबरनामा लिखा गया, मेरा सवाल ये कि उस समय कॉमन मैन आर्टिस्ट की हैसियत से क्या करता, उसको पता ही नहीं था कि राजमहल के अंदर में ये आर्ट हो रही है, इसका की वर्टिकल फॉर्मेट है, इसमें की पर्सपेक्टिव का ये है, जो कि आज हम बात करते हैं, जो एकेडमिक्स इसमें लाते हैं, he never knew about it। तो इसी तरह इस राजा रवि वर्मा की पेंटिंग, मुरुगन की पेंटिंग, इसको देखते हैं कि एक आदमी है जिसके कि इतने सर हैं, मोर पे बैठा है, और मोर जो है वो सांप को मार रहा है, दो दो उसकी वाइफ्स हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये मुरुगन है। पर ये अगेन इस पेंटिंग में कहीं नहीं लिखा है, इस पेंटिंग में कहीं इसका जिक्र नहीं है, इसका जिक्र कहीं टेक्स्ट में है। तो मुझे लगता है कि पेंटिंग की जरूरत क्या, टेक्स्ट पढ़ लीजिए, पेंटिंग की जरूरत है नहीं। तो पेंटिंग की जो खूबसूरती है उसको देखना हमने सीखा है। और नरेशन का जहां तक सवाल है, ये मैंने बंगाल का एक पाठ्यपुस्तक से लिया है, इसमें और भी खूबसूरत है कि इसको सामने रख के इस स्क्रॉल को खोला जाता है और उसमें दो लोग नरेट करते रहते पॉइंटर से कि साहब राजा जी कृष्ण जी यहाँ गए और राम जी से मुलाकात हुई, और ये वो पूरा नरेशन है वो साइमल्टेनियस काइंड ऑफ ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। हमारे जो कंटेम्पररी आर्ट के दोस्त हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा, एंड दे विल रिलेटेड विद देयर पास्ट। जैसे ये कहानियां जो है इसको पेंटिंग में बनाते बनाते हम इतने साल निकल गए, इतने खूबसूरत एक पेंटिंग मैं देखता हूँ बार बार इसमें, ये इंडियन आर्ट की हिस्ट्री में जो नहीं मिलता है, लैंडस्केप नहीं मिलता है। जो लोग आर्ट के स्टूडेंट हम लोग जानते हैं, लैंडस्केप बहुत कम मिलता है। पर इस पेंटिंग में अगर हम बीच से काट दें, अगर इसमें चांद दीदी को बीजापुर की पेंटिंग है चांद दीदी को हटा दें, तो पर्सन इट्स अ वंडरफुल लैंडस्केप, इतना खूबसूरत हो सकता था, पर हम चांद दीदी और बीजापुर के आगे ही नहीं बढ़ पाए तो पेंटिंग हम क्या समझेंगे। देन इंडियन आर्ट तीन सत्ताओं का गुलाम रहा है, एक राजसत्ता, एक देवता ईश्वर की सत्ता, और तीसरे पुरुष। राजसत्ता यह है कि राजा है, पहले तो यह कि जो कुछ भी है देवी देवताओं ने संभाल लिया पेंटिंग का, जो कुछ बचा राजा ने संभाल लिया, और तीसरा जो है महिलाओं को किस तरह से ढंग अलग अलग ढंग से उनको पेश किया जाए जिससे कि कहानी और आगे बढ़ सके। तो इन तीनों के अलावा हिंदुस्तान के कला इतिहास में एक बहुत लंबे समय तक बिल्कुल सन्नाटा है।
आप लोग सभी इस मूर्ति से परिचित हैं। इसके मैं गणेश जी के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं जो बताऊंगा वही कि इसके इनके लक्षणों को देखिए। यू सी द सम साइंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कल्पचर और मूर्ति। इनमें आप देखेंगे कि देवता का निर्माण कैसे होता है। एक मुकुट है, एक हाथ में अस्त्र है, सिंहासन का आसीन है, अलंकार है। इससे समझ में आता है कि ये जो देवता बनने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। इसको कौन अच्छा तरह समझता है? इसको समझते हैं रामचंद्र। ही वाज अ किंग ऑफ, ही वाज अ किंग ऑफ अ सर्टेन प्लेस। पर उन्होंने वो फीचर्स, वो साइंस एक्वायर की, और ये केवल रामचंद्र जी ने नहीं किया। इसको अब आगे बढ़ते रहिए तो डाउन द लाइन 1850 के आसपास, 50 के आसपास अवध के नवाब। तो कहने का मतलब है कि पेंटिंग ने क्या किया, पेंटिंग ने यही काम किया कि कुछ फिक्स फॉर्मूला, फिक्स नोशन को लेके हम आगे बढ़े हैं। और उसमें राजा ने किस तरह से देवता का स्थान ग्रहण कर लिया, उसके पास आराम से था कि एक मुकुट बना ले, एक सिंहासन में बैठे, हाथ में तलवार पकड़ ले, और वो राजा बनता था पर इशारा रहता था कि मैं देवता से बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं। तो इसके आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि औरंगजेब की पेंटिंग आपको पता है, औरंगजेब एक सिंहासन बैठे हुए। अब जब सत्ता बदलती है और ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उसी जगह पता चलता है उसी पेंटिंग ही रिकॉर्ड कर रही है, हिस्ट्री जो है ये पेंटिंग ही बता रही है कि वहां पर अंग्रेज साहब बैठे हैं, पर बैठे वो सिंहासन में। अगर आपके ऊपर रूल करना है तो उसको सिंहासन में बैठना पड़ेगा। तो जिन्होंने राष्ट्रपति भवन के अंदर कभी प्रवेश करने का मौका मिला है या टेलीविजन में देखा है तो ये परंपरा टूटी नहीं है, ये आगे बढ़ रही है। तो उसी तरह अकबरनामा का एक दृश्य है कि अगर पैसा आपके पास हो एंड इफ यू कैन स्पॉन्सर द आर्टिस्ट, आप देख सकते हैं कि राइनो का शिकार कर रहे हैं लाठी से। तो ये तो मेरे पास पैसा है, मैंने राइनो का शिकार लाठी से करवा दिया, पेंटिंग करा दी, नाउ इट हैज बिकम हिस्ट्री। आप कहेंगे भाई इतिहास में इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है, जब पेंटिंग में दिखाया जा रहा है कि अकबर जो है राइनो का शिकार कर रहे हैं। तो इस तरह से पेंटिंग को इस्तेमाल किया गया ओवर द ईयर। इसमें शाहजहां की तस्वीर है, ये ग्लोब के ऊपर बैठे खड़े हुए हैं, उस ग्लोब के नीचे दो बहुत क्लियर पेंटिंग नहीं है, फिर भी आपको अगर रेफरेंस में मिल जाएगी, एक शेर और बकरी जो है दोनों एक साथ पानी पी रहा है। अगर इसको सब भूल जाए तो हमें लगता है कि ऊपर जो फरिश्ते दिखते हैं पंख लगाए, ये यूरोपियन है, क्यूपिड जैसा लगता है। हमें इसका एनालिसिस उस लाइन में करना चाहिए कि फ्लैट बैकग्राउंड में किस तरह से इसमें एक पर्सपेक्टिव क्रिएट किया गया है। पर वो सब भूल के हम उस बादशाह के गुणगान गाते हैं, वो भी पेंटिंग के जरिए। उसके बाद मौका आता है 18th सेंचुरी के मिड की, 1848 के पास, जब राजा रवि वर्मा आते हैं और जब हिंदुस्तान में एट द सेम टाइम रवि वर्मा के साथ जो है जिस दिन जब उनका जन्म हुआ 1848 में ही हिंदुस्तान में फोटोग्राफी भी आती है। तो फोटोग्राफी जो है पेंटिंग को बहुत बड़े ढंग से रिप्लेस करती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि 1848 से 1900 के बीच में बहुत सारे मेजर आर्टिस्ट यही हैं। कंपनी आर्ट जरूर धीरे धीरे डिमिनिश होता है पर हम देख नहीं पाते, पर ये स्टोरी टेलिंग जो है ये तब भी बना रहता है। जिस बात को मैं कह रहा था कि जो पुरुष सत्ता की बात, इसमें एक लेडी को दिखाया गया, इसका नाम सब जानते हैं आप, अहिल्या। ये गौतम मुनि की पत्नी थी, गौतम मुनि के भेष में इंद्र भगवान आते हैं, कोट अनकोट भगवान वो आते हैं गौतम मुनि के भेष में और वो बदतमीजी करते हैं। तो गौतम मुनि जब आते हैं तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग विद इंद्र, वो उनको श्राप देते कि तुम पत्थर बनो, और साथ में साथ ये भी एंश्योर कर देते कि कोई राम आएगा वो छुएगा तो तुम्हें पत्थर से बाहर निकल आओगे। और इस कहानी में जो सबसे गजब की बात है कि उस लड़की ने, उस लेडी ने जिसका नाम अहिल्या है, उसको क्या कहना था, हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया? उसने कुछ कहा कि आप सही कह रहे हैं, इस पेंटिंग में कहीं जिक्र आता है कि उस लेडी ने कुछ कहा होगा? इंडियन आर्ट में किसी भी महिला के कोई वॉइस रिकॉर्डेड नहीं है। आप देखेंगे फोक आर्ट में भी वही कहानी चली गई है और वो सेम पत्थर से निकलती है। अहिल्या, अहिल्या पत्थर से निकली, नाम किसका हो? राम का। बट नोबडी आज द क्वेश्चन, ये हुआ कैसे? और ये भी आप पेंटिंग जानते हैं, इसके बारे में भी सुना है, क्योंकि टेक्स्ट जानते हैं
कि सीता जी को ही चलना पड़ता है, चाहे वो कहानी हो चाहे वो देवता हो, कुछ भी हो मुझे नहीं पता, पर अगर कहानी में थोड़ी लचर सी कहानी है कि जिसके अंत में फॉर नो रीजन सीता जी को जलना पड़ता है और दोनों भाई चले उसको देखते हैं। ये लीला प्रसंग है कृष्ण जी का। ये कहानियां इसलिए कि अगर मान लीजिए कि पेंटिंग आपने ना देखा होगा, अगर आपने इसके बारे में कविता या कहानी सुना तो इतना विविडली आप देख नहीं सकते थे कि लीला का मतलब क्या होता है। आम गोपिन है, उन लोगों के कपड़े लेके कृष्ण जी पेड़ पे चढ़ गए और वो बेचारी मांग रही है कि कपड़े दे दीजिए, हम लोग नहा रहे हैं। तो ये हमारे लीला है और ये हमारी पेंटिंग है। पर यही लीला अलग रूप में ले लेती है जब वो आम औरत ना होके एक राजा की मिसेस होती है, राजा की बीवी होती, क्वीन होती है। वहां पे जब राजमहल के अंदर उस महिला का अपमान होता द्रौपदी का, तो वही कृष्ण जो है कपड़ा भी प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से राजा रवि वर्मा ने जो पुरुष सत्ता की बात की, उनकी हर पेंटिंग में हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को इस शक्ल में रिप्रेजेंट किया गया। इस तरह हम लोग आगे बढ़ते रहे और पेंटिंग आगे बढ़ते बढ़ते नए लोग भी आए, जैसे कि हेमंत मजूमदार की पेंटिंग आती है फॉर नो रीजन। ये राजाओं को खुश करने के लिए उन्होंने पेंटिंग बनाया, ये हमारे आपके लिए नहीं था। ये तो कहिए कि प्रिंटिंग हुई, लोगों तक चीजें पहुंची तो लोगों ने देखा, वरना ये सब राजाओं के लिए बनाया गया था उन्हीं को खुश करने के लिए। और इसके ऊपर आगे हिंदुस्तान की कला बहुत दिनों से चलती रही। ये मुगल पीरियड की पेंटिंग लगती है, पर ये अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। जब रिवाइवल हो रहा था तो सीधे सीधे मुगल काल की पेंटिंग उसके टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको बना दिया गया। और ये अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग और ये नंदलाल बोस की पेंटिंग है जो कि बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग मानी जाती है। इसमें कि सती होना, इसको महिमा मंडित किया। आप लोगों को पता होगा कि सिस्टर निवेदिता ने कहा कि हिंदुस्तान की महिलाओं का सबसे गौरव इस बात का है कि उनको सती होना था। तो हिंदुस्तान में जो भी पेंटिंग में और जो हिस्ट्री में जो भी कमियां थी या जो भी स्ट्राइकिंग चीज थी, वो पेंटिंग ने बहुत बखूबी रिकॉर्ड किया। और ये भारत माता, और इसके बावजूद भी, इतने सब होने के बावजूद भी, हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जब नया युग आता है, जब हम 1931 के बाद देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर पेंटिंग बनाते हैं और बाद में चित्र प्रसाद नेहरू आते हैं, तमाम चित्रकार आते हैं, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट वी फाइंड द अराइवल ऑफ द कॉमन मैन। हिंदुस्तान में राजा थे, रानी थे, महिलाएं थी, देवी थे, देवता थे, कॉमन मैन नहीं था। कॉमन मैन इस तरह से आते हैं हिंदुस्तान के आर्ट। आप गौर करेंगे कि इसका कोई रेफरेंस नहीं है। इस पेंटिंग में कहीं ये नहीं लिखा कि इस लड़की का नाम फला है। इंस्टेंट जो हम देख पाते हैं वो देखते हैं कि इसमें पेंटिंग में एक बैकग्राउंड है जो ब्लैक है और जो जो फीमेल बैठी हुई है उनके कपड़े डिफरेंट कलर्स में है। बट द ब्यूटी इज दैट द व्हाइट लाइन इज नॉट पेंटेड, इट इज द लेफ्ट ओवर। वो जो जगह है, वो स्पेस है, वो कैनवस का कागज का छूटा हुआ जगह है जिससे कि बाहर एक कलर अंदर एक कलर किया गया है, जिसके रीजन ये है कि हाउ वी अप्रिशिएट दिस पेंटिंग, कि वो व्हाइट लाइन इल्यूमिनेट करता है, अपने आप वो इल्यूमिनेट करता है। दैट्स व्हाई वी शुड जज द पेंटिंग इन दिस वे। इसमें कॉमन मैन है, उसमें राजा की कहानी नहीं है, कोई रानी की कहानी नहीं है। ये पूरा एक दौर है। अमृता शेरगिल की पेंटिंग हम देखते हैं, अगेन देयर इज नो रेफरेंस, देयर इज नो टेक्स्ट जो कि पेंटिंग को जस्टिफाई करता है। पेंटिंग अपने आप अपने पैर में खड़ी है, दैट इज द मोस्ट मॉडर्न थिंग, आधुनिक होना चाहिए, इसी को शायद कहा जाता है कि अपने आप को पेंटिंग खड़ी हो, न कि कोई टेक्स्ट साथ। ये 1943 का महाकाल के समय जैनुल आवेदन की पेंटिंग। जैनुल आबेदीन की पेंटिंग 1971 का, जब बांग्लादेश का आजादी की लड़ाई हो रही थी, ये 1943 का तिवागा आंदोलन के समय चित्र प्रसाद का बनाया हुआ चित्र। ये सोमनाथ हॉल का इंडोर मीटिंग, और इस पेंटिंग के बारे में जरूर
उनका बताना चाहूंगा कि इस पेंटिंग अगर गौर करेंगे, इसमें सिंगल सोर्स लाइट है और इस पेंटिंग को देखते समय हमें याद रखना चाहिए कि वैन गॉग अगर पोटेटो इटर्स अगर आपको याद होगा, इसमें की तमाम तरह के रंगों का भी इस्तेमाल किया गया, कोई तुलना नहीं है। केवल बस इतना ही कहना है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट में एक उठ कर इतना जबरदस्त एक काम, और हम लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। और ये रामकिंकर बेस्ट का कॉमन मैन, और ये हमारे आरा साहब का कॉमन मैन बेगर्स इन बॉम्बे, सूजा का बेगर्स ऑफ बॉम्बे, दी प्रभा साहब, और ये साकेन जो हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, आजादी के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। इस तरह जो ट्रांजिशन है देखिए, इसमें कहीं राजा रानी देवी देवता किसी का जिक्र नहीं, एक पूरा मूवमेंट सामने आ रहा है। जबकि ये कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं कि सब आपस में बैठ के बात कर रहे हो कि वी विल नाउ पेंट लाइक दिस। एक इतने बड़े जो मैंने कहा कि 4,500 साल का इतिहास, उसे पहली बार आम आदमी को इस तरह लाया जाता है। बट देन ऑल्सो मार्केट कम्स, मार्केट से बाजार हिंदुस्तान होता है 47 में, उसके बाद बाजार सामने आता है, बाजार में कई चीजें सिखाता है, कई चीजें शर्त पे लगाता है कि आपको अगर पेंटिंग करनी है और अगर आप माल बना रहे हैं तो अगर एक माल बिक गया तो दूसरा माल तैयार रखना चाहिए। वनीसा वो पेंटिंग मैंने जो फला साहब के यहाँ दिखा है कि संजय के मैंने जो पेंटिंग आपकी देखी, ये तो वही चीज है, कभी सी बना देते हैं। कैन यू इमेजिन ये कविता में हो रहा है, आप मान सकते हैं कहानी में हो रहा है। कोई बादलों पे कविता लिख रहा है, 25 कविता बादलों पे लिख देगा तो भगा दिया जाएगा। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के जो आर्टिस्ट है डाउन द लाइन अप टू अशोक भौमिक, विदाउट रेप्यूटेशन सर्वाइव नहीं कर सकते। किसने शर्त बनाया, किसने ये शर्त रखी हुई, वे हैव टू रिपीट। शर्त बनाने वाले हमारे पूर्वज हैं, फर्स्ट है जामिनी लाय। आपको मैं 4-5 पेंटिंग दिखाता हूं और कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे। ये क्रिएटिव वर्क है, देखिए ये रबर स्टैंप अगर इस्तेमाल करते ज्यादा बेहतर करते। और ये सुभाष ये राधा है, और राधा जब तक 5-6 दिन 350-400 राधा जब तक न बन जाए तो भक्ति नहीं करनी। ये राधा है, संजय देखो। तो दिस इज स्ट्रेंज, हम इसको आर्ट कह रहे हैं और अपने को आर्टिस्ट कह रहे हैं और यहाँ आके खड़े होकर लिख सकते हैं। ये हमारे वैकुंठम साहब है, हाई सेलिंग, ये कोई एक पेंटिंग नहीं है, ये 5 उदाहरण है 500 पेंटिंग, और इन्हीं पर इंडियन आर्ट भी टिका है। और ये सूजा साहब है, रजा साहब की पेंटिंग है, इसको एक देख लीजिए और 200 देख लीजिए, बाद में तो फर्क नहीं पड़ता। आप एक देखिए चाहे 200 देखिए, कभी नीले में तो लाल में पीले में, पर इनको कैसे एज ए आर्टिस्ट, आर्ट नहीं पेंटिंग नहीं, एज एन आर्टिस्ट कैसे मार्केट किया जाता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले कुछ और चीजों को देख लेते हैं। ये जी आर संतोष, हालांकि जो कुछ भी किया मार्केट ने, पर जी आर संतोष और सोहन कादरी और इन लोगों ने मिलकर एक काम तो किया कि इंडियन आर्ट में, यूरोपियन आर्ट में न्यूडिटी थी, तो उसके नहले के ऊपर एक डहरा डालना था कि साहब यूरोपियन आर्ट में न्यूडिटी है तो इंडियन आर्ट में जो है इरोटिसिज्म है, चलिए तो हम तंत्र लेके आएंगे। तो ये तो गनीमत है कि कहीं होम्योपैथी के ऊपर पेंटिंग नहीं बनाया, हर्बल के ऊपर पेंटिंग नहीं बनाया, बिकॉज तंत्र इज नॉट नथिंग टू विद द आर्ट। कहते हैं एक्यूपंचर के ऊपर पेंटिंग बनाई है, क्योंकि चाइना में तो बहुत सारे पेंटिंग ऐसी हैं जिसमें कि एक्यूपंचर के पॉइंट्स दिए हैं, इट्स ह्यूमन फिगर। बट मुझे लगता है कि इंडियन आर्ट में और कुछ ना हो तो पहली बार सेंटर लाइन दिखाई पड़ी इन पेंटिंग्स में, हमें एक सेंटर लाइन दिखाई पड़ती है। अगर कुछ भी नहीं अप्रिशिएट करेंगे तब भी बुरा लगेगा, तो इसको सेंटर पॉइंट के लिए मानेंगे कि इट इज अ ज्योमेट्रिक हाफ ऑफ द अदर पार्ट। अगर बीच में आप काट दें तो ये दो हिस्से में बढ़ सकते हैं। आप देखिए रेप्यूटेशन का कि बेसिक लाइन इस सेंटर खींच लेने के बाद, ये सोहन कादरी, इन एक एक पेंटिंग के ऊपर कम से कम 3-3 पेज का एक्सप्लेनेशन दिया है। मेरे पास पता नहीं इस टाइम से मैं आपको नहीं सुना पा रहा हूं, पर सुनाने वाले सुनाते ही। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं कि एक आर्टिस्ट को
उसके आर्ट को जब मार्केट करते हैं, जब आर्ट को बाजार में लाते हैं, तो वही सफिशियंट नहीं है। हम आर्टिस्ट को भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये आर्टिस्ट बिकेगा तो वो जो लिखेगा, जो बनाएगा, वो सब बिकेगा। वंस यू मार्केट द आर्टिस्ट प्रॉपरली तो उसमें सब बिकेगा, पर बेचने में आर्टिस्टों को बहुत तकलीफ है। मैं आपको जो 3 स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ उसमें एक भी शब्द मेरे जोड़े में नहीं है। रजा साहब कहते हैं, आई एम नॉट ए पेंटिंग फॉर बायर or the lover of my art. I paint to go on a journey within myself. Wherever my painting hangs, I create a temple. ये है चारों, ये है बेवकूफ बनाने का फंडा, जिसे कि आपके आर्ट गैलरी से, आज की पीढ़ी के आर्टिस्ट, आने वाले पीढ़ी के आर्टिस्ट से, कि आर्ट गैलरी से दर्शक भाग जाए। ये वो लोग कह रहे हैं जिनकी $2.5 million में उनकी पेंटिंग बिकती है। वो कह रहे हैं कि आई लाइक टू क्रिएट हिस्ट्री, आई एम नॉट पेंटिंग फॉर आर्ट। डीलर्स टू सेल और टू डेकोरेट प्राइवेट होम्स, हुसैन साहब कह रहे हैं। ये हम लोग को सहना पड़ेगा, हम लोग इस जनरेशन के आर्टिस्ट हैं। राम कुमार, हुज वर्क फेज 1.16 मिलियन एट द क्रिस्टीज ऑक्शन इन 2008, सेज देयर इज नो चैलेंज इन सेलिंग माय वर्क एनीमोर। अरे भाई, हम लोग भी बेच दीजिए। जो लोग आर्ट्स कॉलेज से निकल रहे हैं, उन लोग जब ये कहानी पढ़ते हैं, जब अपने माँ बाप से कहते हैं कि पापा मैं आर्टिस्ट बनना चाहूंगा, माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि 1.16 मिलियन में पेंटिंग बिकी है, तो 1.16,000 में तो बिकी जाएगी। और इसी चक्कर में दिन ब दिन आप हर शहर में आर्ट्स कॉलेज की संख्या आर्टिस्ट के लगभग बराबर होती है। एंड एवरी डे इन दिल्ली द ट्रेन कम्स फ्रॉम बॉम्बे, ट्रेन कम्स फ्रॉम मद्रास एंड कैलकाटा। ये तो खैर आर्ट की बात हो गई, आप देखिए आर्ट बेचा कैसे। I'm sorry that I will be showing some not so good looking paintings. ये सोहन कादरी की पेंटिंग है और सोहन कादरी योग शिक्षा देते हुए अपनी पेंटिंग बेच रहे हैं। तो नाउ यू कम टू द मेट्रो आर्ट। मेट्रो आर्ट यू नो, बिकॉज यू बिलोंग टू द मेट्रो सिटी, यू नो दैट हमारे में एक दिक्कत ये हो गई। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में भाई ऐसा होता है, हम भूल जाते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में नहीं होता है, ये बंबई में होता है, ये दिल्ली में होता है, हिंदुस्तान में नहीं होता है। बंबई और दिल्ली के बीच में 1.5 लाख छोटे छोटे गांव और शहर है, यहाँ बहुत कुछ होता है, इसको दिल्ली और बंबई वाले नहीं जानते। आज हमें एक्सपेरिमेंट करने की वो इच्छा होती है, एक्सपेरिमेंट करें, तो उसको लेकर हम आगे बढ़ाते हैं इस बात को। और इस पूरे जो मेरा हमारी जो कोशिश है कि मेट्रो आर्ट को एस्टैब्लिश करेंगे, उसमें सबसे मददगार होते हैं दो लोग, वो है एक आर्ट क्रिटिक और एक जो मैनेज करते हैं आर्ट मैनेजर्स। मैं उस लैंग्वेज के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा जो कि अपने क्रिटिसिज्म से जो धुआं पैदा करते हैं, जिसमें ना तो आर्टिस्ट दिखता है ना आर्ट की पेंटिंग दिखती है। जो दिखता है वो खाली आर्ट क्रिटिक का लैंग्वेज ही दिखता है, जो हमें भी समझ में नहीं आती। 42 साल हो गए पेंटिंग करते हुए, आई थिंक वी मस्ट एट प्रेजेंट डू अवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास। हू मे बी, ये उनका है, हमारे मैकॉले साहब। और भूल मत जाइए कि 1836 में मैकॉले लिखा है। एक्चुअली क्या क्रिएट कर रहे हैं, कहां पे खेल है? खेल इस बात का है कि जो लाइन है, अ क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियन इन मॉरल एंड इन इंटेलेक्ट। यही क्लास 1835 में जो मैकॉले कहते हैं, वो क्लास आज आके वो क्लास है मेट्रो आर्टिस्ट का और आर्टिस्ट का, जो सीधे बिनाले और ट्रेनाले जो सौ कॉलों में आने लगे और दुनिया भर के आर्ट मूवमेंट के साथ बात करना चाहते हैं और अपने मुल्क के दूसरे आर्टिस्ट के साथ बात करना पसंद नहीं करते। अब ये देखिए उस इंग्लिश का कमाल, आरकेस, मैं आरकेस का नाम ही ले रहा हूँ, कौन है आरकेस। पेंटिंग्स आर अबंडेंट विद एक्सप्रेशनिस्ट जॉयसनेस एंड मेलंकोलिया। हिज वीडियो प्रोजेक्शन वर्क्स आर कंटेम्पलेटेड इन देयर स्टिलनेस, सेंटरिंग अस इन द फेनोमेनोलॉजी ऑफ मोटिव, जेस्चर एंड आफ्टरथॉट। मतलब आई कैन चैलेंज इट इफ समबडी कैन डिकोड दैट। वेनिस कमिट्स, वेनिस इज अनदर आर्टिस्ट, कमिट्स हिमसेल्फ टू पेंटिंग इन विच ऑटोबायोग्राफी इज ट्रांसम्यूटेड इनटू एलेगरी बट ऑल्सो टू ग्राफिक वर्क्स दैट रन द गैमट फ्रॉम आर्किटेक्चुरल मेडिटेशन ऑफ जेस्चुरल एब्स्ट्रैक्शन।
अगर आपके दांत बच जाए इसको पढ़ते हुए तो पेंटिंग देख लीजिएगा। ये हमारे समय के सबसे बड़े आर्ट क्रिटिक है, मैं नाम नहीं ले रहा। और किस तरह से लोग इन शब्दावलियों के पीछे ये धुन पैदा कर रहे हैं, इसमें हमारे यंग आर्टिस्ट कभी नहीं जा पाएंगे, बिकॉज इट टेक्स मनी, आपके पास पैसा होना चाहिए और नए करेंसी में कि आप इन आर्टिस्ट को खरीदें। रजा लाइक सूजा एंड बाकरे रिप्रेजेंटेड द बेस्ट ऑफ इंडिया वाइल लिविंग आउट ऑफ इंडिया, ऑलवेज रिवीलिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव। एक्चुअली रजा सूजा ये लोग हिंदुस्तान से चल के पेरिस गए थे, कोई ब्रह्मांड की खोज नहीं निकले थे। दे लेफ्ट इंडिया एंड वेंट टू अनदर कंट्री, वन कंट्री। आपने क्या लिखा यहां पर, यूनिवर्सलिटी ऑफ क्रिएटिव। आप कुछ भी नहीं कर लेते, इट्स नॉट अ चैलेंज बिकॉज यू हैव बीन पेड फॉर इट। आपको टाइम्स ऑफ इंडिया छापेंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है कौन पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा। पर जो छोटा लड़का आता है, जो यंग आर्टिस्ट है, जो देवास से आया है, जो रतलाम से आया है, जो उज्जैन से आया है, जो कानपुर से आया, लखनऊ से आया, थिंक अबाउट दोज यंग बॉयज जो डिक्शनरी तलाशते होंगे ये समझने के लिए, पर नहीं समझ पा रहे क्योंकि दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग द बेस्ट ऑफ बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट ऑफ आवर टाइम। ये हमारे आपके बारे में नहीं लिखा, इनको लिखा जा रहा है किन लोगों के लिए, जो लोग आज सबसे ज्यादा लिखते हैं। ये आर्ट क्रिटिक नहीं है, ये मैं दे रहा हूं आर्ट एक बायर का ओपिनियन। He taught us how to look and look again at the point, at a point, the bindu. He made us rethink the power of Shuni. He was the most cerebral and meditative artist of our times. ये कौन certification हो रहा है? कौन certificate दे रहा है? किस बात के certification? आप जिसको painting के बिंदु कहते हैं, बिंदु का जो dictionary का definition है, वो ऐसा एक point है जिसका ना width होता है, ना height होता है, ना लंबाई। और जिस आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं उसकी बिंदु एक फिट चौड़ा होता है। पर चूंकि आपके पास पैसा है, आपने पेंटिंग खरीदी है, तो यू कैन एक्सप्लेन इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ये और भी तमाशे हैं जिसको कि आप करेंगे, पर और भी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि इसको देखिए, इसका तो कोई जवाब ही नहीं, सबको आगे पीछे देखते हैं। हम आप जो है यहां बैठे हुए हैं सब निकट्टू हैं। खजुराहो कृष्ण बनाने वाले कलाकारों के बाद इस शताब्दी का सबसे बड़ा चित्रकार सैयद हैदर रजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। खजुराहो से इस शताब्दी के बीच में कोई चित्रकार ही नहीं पैदा हुआ। इट्स न्यूज़ टू मी और मुझे बड़ा ये लगता है कि मैं काहे यहां पे पढ़ा। तो ये जो पूरा जो घटाटोप है, जो अंधेरा है, इसका जो फेज शुरू होता है दरअसल 21वीं सदी के शुरू में होता है। जब आप इंडस्ट्री में देखते हैं, जो करोड़पति अरबपति लाखपति जो लोग हुआ करते थे, वो लोग प्रोडक्शन के साथ जुड़े थे। वो कोई मारुति कार के डीलर नहीं थे, वो कोई खाद के डीलर नहीं थे, कोई वो रेयॉन के डीलर नहीं थे, कोई एक्रिलिक के डीलर नहीं थे, और कोई पेट्रोल नहीं बेच रहा था, कोई कोयला नहीं खोल रहा था, जहाँ पर कोई लेबर नहीं। आपने सौदा किया सरकार से, आपने पैसे कमा लिया और इतना पैसा कमा लिया कि आप आर्ट को, जैसे क्रिकेट को आप करते नहीं है, जो सफेद शर्ट सफेद पैंट पहन के लाल गेंद से अपने बचपन से देखते हैं क्रिकेट हो रहा है। अब मेरे पास पैसा आ गया, मैंने कहा नहीं सफेद सफेद नहीं चलेगा, पांच दिन भी नहीं चलेगा। अब ये एक ही दिन शाम को होगा, शाम और डे एंड नाइट होगा, जब मैं फ्री हो जाऊंगा अपने बिजनेस से तब क्रिकेट होगा। तो और क्या होगा भाई, वो जब छक्का भी मारेगा ना, वहां पर 20 लड़कियां खड़े होकर नाचने लगेंगी। विच हैव गॉट नो रिलेशन विद द क्रिकेट एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इन पेंटिंग आल्सो बिकॉज द फिक्सर्स आर द सेम। जो मैच फिक्सिंग कर रहे हैं वो दोनों एक बराबर है, जो पेंटिंग का कर रहे हैं और जो आईपीएल का कर रहे हैं, तो वो दोनों ही बराबर है। तो पोस्ट लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एरा इन इंडिया, वी सॉ सर्टेन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो, जो कि कहा कि भाई ये पोस्ट मॉडर्न पेंटिंग है। तो पोस्ट मॉडर्निटी का देखिए, राइट वाली जो पेंटिंग इसमें दो फ्लैश बने हैं वो है आपका 2019 का, और लेफ्ट वाला जो है वो 1819 का है, 100 साल पुराना पोस्ट मॉडर्न। ये मास्टर ड्यूशन का पेंटिंग है जो कि 100 साल स्कल्पचर है, जो 100 साल पुराना है। आज आप उसको बना के अलॉन्ग विद योर मीडिया पीपल आप उसको एस्टैब्लिश करते हैं कि आप बहुत कुछ इनोवेटिव और नया कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास मीडिया है।
और ये सब कुछ नया होगा जिस जो कि अगर दिल्ली से बाहर आप निकल के 40 किलोमीटर भी आप क्रॉस कर जाएंगे बॉर्डर में, वहां भी ये आर्ट वैलिड नहीं है, पर इंडियन दिल्ली के अंदर जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है उसमें ये स्कल्पचर शो होता है। इसके साथ एक एक दो दो पन्नों का डिस्क्रिप्शन लिखा है। अब होते होते इसको ओनरशिप है जो एब्सोल्यूट वोडका है, उस वो कंपनी आर्टिस्ट को पैसा दे रही है कि आपको मैं स्पॉन्सर करता हूँ, क्या करना है आपको, क्या वोडका की बोतल जो है उसको आपको बनाना है, ये कैसे बने जो मन में है, इट शुड कैरी यू सिग्नेचर एंड आई विल पे यू लैक्स। तो आप देखिए वो कौन कौन से आर्टिस्ट हैं जिन लोगों ने बनाया, नाम की जरूरत नहीं है, ये सब डिफरेंट आर्टिस्ट हैं जो मेट्रो में काम करते रहे, उन्होंने बनाया। और इसको आर्ट आपको मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो आप धकिया नहीं जाएंगे बाहर, आपको कोई नहीं पूछेगा, बिकॉज यू आर नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय द आर्ट क्रिटिक्स। और ये मत समझिए कि घर में काम वाली बाई नहीं आई है, ये नेशनल गैलरी में मॉडर्न आर्ट रखा हुआ स्कल्पचर पीस है। और जो कहा जाता है कि जो ये जो एरा है जहां पे क्रोनी कैपिटलिस्ट का पैसा लगा हुआ है, वहां पे स्पेक्टेकुलर इज अ बिग थिंग, जो कुछ कीजिए खूब पड़ा कीजिए। आप ये कौन एक फिल्म हीरो भी है, वो अपना जो कटआउट बनाते हैं वो 80 फीट ऊंचा बनाते हैं, तो उसको देखेगा कि नहीं मैं जो बनाऊंगा वो कम से कम 200 फीट ऊंचा स्पेक्टेकुलर, उससे उसके साथ फिल्म से और अभिनय से कोई लेना देना नहीं, बट पीपल विल टॉक अबाउट द हाइट ऑफ दैट कटआउट। सो दैट इज व्हाट आर्टिस्ट दे हैव लर्न फ्रॉम दैट तो मेक इट स्पेक्टेकुलर। आप समझ सकते हैं कि ये स्कल्पचर कितना विशाल है, ये इसका मतलब क्या है क्या नहीं है पता नहीं। दो बात है कि एक तो बहुत खर्चा में बनाया गया और दूसरा कि बहुत विशाल है, ये दो चीज जो है इसमें कि आपका स्ट्रेंथ ऑफ योर मनी, आपके जो पर्स की जो ताकत है वो आर्ट रिप्रेजेंट करती है नहीं करती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द एक्सटेंट कि हम ऐसे स्कल्पचर कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 22 कैरेट गोल्ड, 1 kg गोल्ड का बना हुआ स्कल्पचर है जो कि क्रिस्टी ने बहुत ऊंचे दाम पे बिका। तो ये दुनिया, ये एक टर्निंग पॉइंट है हमारे इंडियन आर्ट का। तो हम आगे बढ़ते हुए हम आते हैं दुनिया में क्या हो रहा था, ये तो इंडिया में आसमान से तो हो नहीं सकता, पर दुनिया में कुछ होना चाहिए ना, दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको हम कॉपी करते हैं, उसका असर होता है, बिकॉज आवर बायर्स दे लिव देयर, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप, और वहां पे कोई पेंटिंग बेचने खरीदने वाला मसला जो है खत्म हो चुका है। नाउ इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, पर हमारे हिंदुस्तान में आज भी हम बेसिक जो पेंटिंग है उसके में लगे हुए हैं, और हमारी लड़ाई जो है आज बिल्कुल दो क्लास के बीच में है, एक जो हम आर्ट कर रहे हैं और दूसरा वो जो आर्ट को थोप रहे हैं, हम उस रुचि के खिलाफ है, उस टेस्ट के खिलाफ है, और जो कि हम नहीं मान सकते। मैं आपको एक पेंटिंग का जिक्र करूंगा, वो पेंटिंग जब स्लेवरी थी, जब दास प्रथा, उसमें लड़कियों को बेचा जाता था, नीलाम होता था, उनके कपड़े उतार दिए जाते और उसकी बोली लगती थी उसकी पे उनको सामने खड़ा करते। तो ये हम लगता है कि ह्यूमन रेस का सबसे दुखद, जिसमें कि एक पुरुष होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते आपका सर झुकना चाहिए, ऐसी पेंटिंग बनाने वाले जेरोम की मैं आपकी पेंटिंग दिखा रहा हूं, ये जॉन योर जेरोम का है, रोम का पेंटिंग से भी। बट जो कल्चर आया है ये दूसरी पेंटिंग, इस दो पेंटिंग का किस तरह हमने इस्तेमाल किया है ये देखिए। जिस सेंसिटिविटी की बात हम कर रहे थे कि हमें लगता है कि सबसे शर्मनाक एक समय था जब स्लेवरी हुई थी, वो हम फ्रॉक पे बना रहे हैं, यानी कि ये हमारा क्लास नहीं है, ये हमारी रुचि का क्लास नहीं है, ये हमारे टेस्ट का क्लास नहीं है, कहीं बहुत भारी गड़बड़ी है जो हमारे टेस्ट, हम क्यों इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्यों हमको नहीं अच्छा है। ये दूसरी पेंटिंग बैक क्यों बना, तो अगर ग्लोबली ये हो रहा है तो हमारे जो वही जो मैकॉले के अंग्रेज साथियों के बारे में मैंने बात की, अंग्रेजीदार लोगों के बारे में, जो मेट्रो के लोगों के बारे में, दे इमीडिएटली ट्राई टू अडॉप्ट। मैं कुछ पेंटिंग और कुछ स्कल्पचर, कुछ इवेंट्स दिखा रहा हूँ जिससे आपको लगेगा किस तरह से इंडिया ने, इंडियन आर्टिस्ट ने उसको अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश की।
ये एक बिनाले की पेंटिंग है, स्कल्पचर है, मेड अप ऑफ वैक्स. इसको जिस तरह से लोग देख रहे हैं, ये आर्ट के नाम पे चल रहा है. ये बॉडी आर्ट है, बॉडी पेंटिंग है, जो अमेरिका का इन थे. ये बॉडी आर्ट है जो इंडियन आर्टिस्ट जाके यूरोप में कर रहे हैं. और ये नया टेक्निक है, नया एक नया वो चल रहा है, वियना म्यूजियम का रिसेंट हुआ है कि दे आर अटेंडिंग अ एग्जीबिशन विदाउट एनी ड्रेस, पूरे नेकेड होके. ये ऑस्ट्रेलिया का है, यहाँ पे विजिटर्स जो है दे आर ऑन नेकेड. मैं उस रुचि के बारे में कह रहा हूँ जो कि नए कैपिटल के साथ, नए क्लास, न्यू चॉइस एंड न्यू चैलेंजेस. और वो जो हमारे बहुत बड़े आर्ट क्रिटिक जो आपके शहर के हैं, उन्होंने कहा था एज ऑफ शिफ्टर्स. वो कौन सा शेप शिफ्ट कर रहे हैं, कौन सा चेहरा अख्तियार कर रहे हैं? वो ये चेहरा अख्तियार कर रहे हैं. ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है. ये बेंगाले ट्रेनाले बड़े बड़े एग्जीबिशन, बड़े बड़े इंस्टॉलेशन सब कुछ हो रहा है. वहां पर किसी ने जाके पूछा नहीं देवास के उस लड़के से कि व्हाट डू थिंक अबाउट इंडियन आर्ट, तो वो तो इंडियन है ही नहीं. मैंने कहानी शुरू की थी आप लोगों के पास से उस जगह से, अजंता इनोरा मुगल आर्ट में, जहाँ इंडियन नहीं था. जो इंडिया का कॉमन मैन है वो प्रेजेंट नहीं था. और यहाँ भी आते आते देखते हैं कि ये कौन सा आर्ट हो रहा है. इतनी जल्दी किस बात की है? डू यू थिंक कि पोएट्री में नया पोएट्री का एक तरीका शुरू किया गया है कि आप कविता जब मिलेगी आखिरी लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे ऊपर तो आपको दिखाई पड़ता है? ऐसा दिखाई पड़ता है कविता में कोई गाली पकड़ा, कविता में माँ बहन की गाली बकी जाएगा? ऐसा तो नहीं देखा, कहानी पे भी नहीं देखा. तो क्यों पेंटिंग में क्यों हो रहा है ऐसा? पेंटिंग में इस कौन सी कहानी कह रहे हैं? दिस इज एक्चुअली परफॉर्मेंस जिसको कि शो करने के पहले एक घंटे का नरेशन है. मैं उसमें नहीं गा रहा हूँ, आई वेरी गुड टाइम. इस तरह के नायाब किस्म के एक्सपेरिमेंट होते चले जा रहे हैं. इसको कोई स्ट्रीट आर्ट भी कह रहे हैं, कोई सिटी आर्ट कह रहा है, तमाम नाम चले जा रहे हैं. क्योंकि ब्रांडिंग के लिए नाम बहुत जरूरी होते हैं. ये कोची बियनाले का एक वर्क है, ये उस जो अजीब सा एक नया टेस्ट आया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये अहमदाबाद का एक आर्ट वर्क है. और ये पोएट्री को ही वॉल पे लिखा गया है एंड क्लेम किया गया कि ये पेंटिंग है. तो चूंकि मैंने क्लेम किया है और मेरे पास इतने करोड़ रुपए है, तो मैं डिसाइड करूंगा व्हाट शुड बी द शेप ऑफ द आर्ट. ये उस दम्भ के साथ, उस प्राइड के साथ एक एसर्शन है क्लास का आर्ट के ऊपर. और हाइट ऑफ एवरीथिंग इज दैट ये पिछले एग्जीबिशन में जो कोची बियनाले हुआ, जिसको लेके हमारे हिंदुस्तान के हर आर्टिस्ट, हर आर्ट क्रिटिक, हर आर्ट क्यूरेटर जो है वो पानी पीपी के सम्मान करता है. क्या जरूरत पड़ती कि आपको पेंटिंग में इतनी भद्दी भद्दी कारियों को लेके आप पेंटिंग बनाना चाहते हैं? इन सब के बाद ये लगता है कि जो फ्यूचर है, जो प्रेजेंट है, वो इतना ही डार्क है जो हम लोग सामने देख रहे हैं. बिकॉज द डिफरेंस इज द फाइट इज बिटवीन टू क्लासेस. क्वेश्चन इसमें हैव और हैव नॉट्स का नहीं है. सदियों से रहते रहते एक क्लास में पहली बार पिछले 20 साल से अपने वर्थ का एसर्शन किया कि मेरे पास इतने करोड़ रुपए हैं, मैंने इतने कोयले खदान खरीदे हैं, तो मैं डिसाइड करूंगा पेंटिंग. पर गौर कीजिएगा दोस्तों कि वो पेंटिंग का फ्यूचर डिसाइड करते हैं पर पोएट्री का नहीं कर पाते, कहानी का नहीं कर पाते, डांस का नहीं कर पाते, थिएटर का नहीं कर पाते. वी आर अनफॉर्चुनेट दैट वी आर प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट कि हमारे हम कौन सी पेंटिंग बनाएंगे, उसे क्या कहेंगे, ये डिसाइड कर रहे हैं इनके 26 मंदिर हमारा है जो जियो कर रहे हैं. एंड विद दिस I don't want to end the entire discussion with a negative note. Positive note bhi hai ki hamare Hindustan ka ek artist Vogue ke cover pe nikal raha hai. Thank you very much. Questions for Mr. Bhowmick, please go ahead. Please, sir, ye shuru se aakhir tak aapke puri lecture mein dekha hai. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमें करना क्या है, आर्ट क्या है, क्योंकि यहाँ आके तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया हूँ मैं कि मुझे करना क्या है. या तो मैं काम करना छोड़, मेरे सामने एक ही विकल्प है कि या तो मैं काम करना छोड़ दूँ या मेरे पास इतना पैसा आए कि मैं बाजार में आऊँ.
आर्ट क्या है ये थोड़ा बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन मेरा भी है, अकेले आपका नहीं, बिकॉज वी आर बोथ प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट। और मुझे लगता है कि एक ताकत पे हमें भरोसा करना चाहिए, वो है मेजॉरिटी की ताकत। एक रुचि पे भरोसा करना चाहिए, जो हमारी गलती है उसको भी देखना चाहिए कि हमने बहुत वर्षों से, मतलब पिछले 20 साल से हम इनर्ट रहे हैं, वी आर नॉट बॉर्न टू द पीपल। आज हमारे आर्ट गैलरी में अगर दो आर्ट बायर आ जाते हैं तो हम लाइट ऑफ भी कर देते हैं, एसी बंद कर देते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड कॉमन मैन इन द आर्ट गैलरी। नो, वी हैव टू गो टू द कॉमन मैन। ये सवाल, ये ऐसी लड़ाई है जो मैंने आप लोगों को ही बताया, एक्चुअली ये एक लड़ाई का फील्ड मैंने बताया। इसमें दो ही ऑप्शन है, आइदर यू डाई और यू फाइट बैक। मैं शायद ज्यादा करके बता रहा हूं, ऐसा नहीं, बिकॉज आप लोग प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट, आप जानते हैं सिचुएशन कि जो लोग एडॉप्ट भी करेंगे, जो लोग ये भी चाहेंगे घर के बर्तन वर्तन को वेंड करके एक मूर्ति बना दिया जाए, बिलीव मी यू वोंट बी एबल टू सेल दैट स्कल्पचर इवन इन थाउजेंड। ये जो करोड़ रुपए के जो स्कल्पचर मैंने आपको दिखाया, ये 4.5 करोड़ का स्कल्पचर है, आप बना के दिखा दीजिए, आपको 10 पैसे नहीं मिलेंगे। हमें अपने आर्ट गैलरीज के, अपने एग्जीबिशन में इंश्योर करना पड़ेगा दैट कॉमन मैन शुड कम एंड विजिट द शो। अगर कॉमन मैन से हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा तो वी विल ऑल्सो वन डे लैंड अप इन दिस। आज मेरे लिए, मैं ये लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ कि आने वाले जनरेशन या जो आज जो आर्ट एग्जीबिशन आर्ट कॉलेज से लड़के निकल रहे हैं उनके बारे में ऑनेस्टली जब मैं सोचता हूँ, मैं एक ही चीज पाता हूँ कि इनका 10 साल बाद क्या होगा। क्योंकि इन इस जगह पे जाना और जितने बड़े बड़े जो जिस तरह की अंग्रेजी में आज क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिस तरह का धरना चल रहा है, इसके पैरेलल अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक काम कर सकते हैं कि हम इंश्योर करें कि अपने एग्जीबिशन में, इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड द आर्ट बायर्स, ऑनेस्टली 5 साल के लिए अगर हम आर्ट लवर्स को बुलाएं, दे वॉन्ट टू कम। पर हमने ये जो घटाटो बना रखा है, ऐसा माहौल बना रखा है, इन सब आर्ट को देखने के बाद कोई दूसरी बार आर्ट गैलरी में नहीं आया, और यही वो चाहते थे। दे डोंट वॉन्ट दैट दे शुड रब शोल्डर विद द कॉमन मैन। आज जियो का जो मालिक है वो आपके साथ एक साथ एक गैलरी में नहीं रह सकता है, वो नहीं देखेगा। हमें अपने गैलरी स्पेस बनाना पड़ेगा, हमें अपने स्पेस को रिक्लेम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैं कोई प्रवचन नहीं देना चाहता, पर ये मैं रियलाइज करता हूं और मैंने प्रैक्टिस भी किया है कि हम गो टू द कॉमन। आज जब हम यहाँ एग्जीबिशन लगा रहे हैं तो हमें मेहनत करनी चाहिए, फोन करना चाहिए कि भाई आप एक बार देख जाए और उनसे बात कीजिए। इट विल टेक टाइम बट पीपल विल कम बैक, क्योंकि मैंने अपने जिंदगी में वो समय देखा है। आज मैं कपाड़े जी से बात कर रहा था, इन द ईयर 1974 आई हैड माय फर्स्ट एग्जीबिशन इन कानपुर। देयर वाज नो आर्ट गैलरी, देयर वाज अ सिंपल हॉल, जो ऑडिटोरियम था उसको हम लोगों ने एक आर्ट गैलरी में कन्वर्ट किया था, और 3 दिन का शो था। वो दिन में मैं 11 बजे गैलरी खोलता था और 8:30 बजे बंद करता था। एनी पॉइंट ऑफ द टाइम सारे दिन में कम से कम 10-15 लोग होते थे, उसमें एक भी पेंटिंग मेरे नहीं मिली। पर पूरे कानपुर शहर में कम से कम 200-250 लोग थे जिन्होंने, जो मेरे एग्जीबिशन में आए थे, जिन्होंने बाहर जाके बात की थी। और विद इन 1 ईयर आई वॉज अटेंडिंग ऑल द शोज, बिकॉज मुझे इन्विटेशन मिलते थे, लोगों से बात हो गई। और आज की तारीख में क्या है, जब मैं दिल्ली में एग्जीबिशन करता हूँ तो 15 विजिटर आते हैं 7 दिन या 15 दिन में, उसमें 10 बायर आते हैं ना। मैं भी, मुझे क्या चाहिए आम आदमी से, और जितनी भी आर्ट गैलरीज हैं सब के सब एक ट्रेडिंग सेंटर है। दे आर एनरोल्ड इन द गवर्नमेंट एज ए शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट। अगर कॉमन मैन अंदर घुसना चाहे दे हैव बट द राइट टू स्टॉप देम। आम आदमी को बाहर धकिया सकते हैं, जैसे कि आप सोने की दुकान में जाते हैं, अगर दुकानदार चाहे कि आपको एंट्री नहीं देना तो नहीं दे सकता है। आर्ट गैलरी के नाम पे इतना बड़ा प्रपंच है। तो जो कहने का मतलब है कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं, इफ यू बिलीव इन योर आर्ट स्टिक टू दैट, उस पे लगे रहिए। सबसे जरूरत है कि अपने आर्ट पे बिलीव करो। मेरे ख्याल से मैं बहुत ज्यादा कन्विंस आपको नहीं कर पाऊंगा, फिर भी लुकिंग इन टू द प्रेजेंट सिनेरियो बहुत कुछ हैप्पी सीन तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आप अपने कला पे यकीन रखते हैं
आप गौर कीजिएगा, अगर इसका कमर्शियल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं तो हुसैन जमनी राय, ये हेमंत मजुमदार, गजा, ये लोग जो है अपार्ट फ्रॉम बी एंटी, नॉट आर्टिस्ट, एंटी कैसे से टिक रहे हैं और आज भी गैलरीज में अच्छे वर्क की डिमांड है, सेलिंग सेलिंग और नॉट सेलिंग दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट, पर लोग आके अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इतना मतलब दुखद की स्थिति नहीं है। बट वी हैव टू बी वेरी फोर्सफुल, अपने एग्जीबिशन हमें करने हैं, एटलीस्ट वन एग्जीबिशन इन ए ईयर, whether it is a group show or one man show, karna. The time has come to go to people, go to wahi jo art plaza movement tha is samay, aaj wo ghoom ke art plaza ki movement hai, har mohalle mein, shahar ke har mohalle mein art plaza jaisa hona chahiye, let us have an exhibition for that. Nahi mujhe problem ye hai ki jab aap sunte hain na 1.6 million dollar mein painting bikta hai, tab aapki painting wo bikne ke sath jo Try to communicate things and automatically move. मुझे ऐसे ही लगता है कि हमें, मेरा अपना मानना है कि we must go to the people. Any question? Thank you for the answer, sir. Any other questions? Who is your favorite artist? Or someone's work you have liked or? I have always basically I have liked all the sincere work. And those were original. I believe in Tagore's version of good art. He said that good art is the number one original. A painting, when it looks like complete, there is no definition how to measure that thing. But when you look at a painting and you feel that it is complete, there, you don't need to keep put up one single point more. That's a complete painting. So in that way, I like what should I say? Ganesh Pai, definitely I consider that he is a very important painter, Ganesh Pai. And Hussain Saab also, and everybody at Ram Kumar, at one phase of his life, you find that he was doing very good work. May not be selling well, but he was doing very good. I mean, I am attracted to that period when he used to paint about Varanasi, when he used to paint about the common man. Yes, sir. Thank you, sir. We have time for one more question, so anybody else? Meeta? Sir, I saw one slide which had Raza's quote and it was regarding Christie's sale. So, I doubt whether when Christie sale this painting for so much price, Raza who really is That's a very good question, because this is a very big game. Because when Tayyab Mehta was sold in 21 crore rupees, when this reporter, they went to ask him that, how you feel? I feel like selling a painting of 10,000 rupees. Actually, he sold the painting at 10,000 rupees, which is very poor. 21 crore rupees. Now what it suggests actually, it says that the competition among the artists doesn't exist. It's a competition among the art dealers. Now I sell this painting, I've got enough money, I buy your painting at 21 crore. Tomorrow I won't have the sufficient money, but you will have 25 crore, so you buy it. It is a barter, it's a system that is going inside in between the artists. We should not talk about it, because it is very difficult to understand this whole game. But at least in my discussion, in today's discussion, we have discussed about one point, that how this painting, how this artist, how their art, they get prominence. They get prominence through many ways. One is the language, another is the confusion, profound confusion created by the art critics. Fortunate enough that we don't have art critic here, otherwise unko to maar padta. But he is such, next time onward, whenever you look at any such report, like iska itna karo, itna karo dekhega, you just go deep into it. Ye jo keh rahe hai na, ki I am not interested in selling anymore. It has got a pain inside. Ye kahani hai. But then we should not talk about this 21 crore, because that is a different kind of marketing policy itself. Because
I believe that since we talk about the art market, so whenever you talk about the market, there should be a marketing. Whenever you talk about marketing, there should be production, advertising, and everything that follows in the art. It's the same way, जैसे आप माचिस बेचते हैं, नमक बेचते हैं. आप कहते हैं कि मेरा नमक 100% प्योर है, दूसरा कहता है कि मेरा नमक फ्री फ्लोइंग है. That is how you differentiate between two salts. Here also, किसी ने पेंटिंग बनाया, उसने कहा कि मैं बिंदु बनाऊंगा, दूसरा कहे मैं चक्र बनाऊंगा, कहते तीसरा कहेगा शून्य बनाऊंगा. दीज आर द यूएसपीज. ये आर्ट नहीं है. आर्ट शुड कम फ्रॉम विद इन. इट शुड नॉट बी अलाउड टू बी डिसाइडेड बाय द एक्सट्रेनियस इन्फ्लुएंसेस. कि मार्केट में इस समय गुरु ये चल रहा है तो आप चलाइए. आप आपस में हम लोग यही बात करते हैं. यंग आर्टिस्ट से मिलते हुए सर ऐसा है कि आजकल तो ये चल रहा है. बुढ़ी पी पे आजकल ये चल रहा है. मेरी तैयारी, मेरा बचपन, मैं बड़े होने का जो मेरा तरीका है वो अलग है. आजकल क्या चल रहा है उससे क्या. तो दिस इज इट. एक्चुअली मैं कुछ पिछले दिनों मैंने कुछ लेक्चर अटेंड किए इसमें दिल्ली में. दिल्ली में पूरा एक नए किस्म का नरेशन नरेटिव चल रहा है. तो उसमें एक बड़े बड़े आर्ट जो म्यूजियम है, जल किरण नदार म्यूजियम है, कई प्राइवेट म्यूजियम्स हैं, दे आर टेकिंग एक्टिव पार्ट. तो नाउ आई कैन शेयर विद यू. ये शायद मुझे लगता है कि कोशिश ये है कि नया आर्ट जो है, जैसे संजय पेंटिंग बना रहे, कबाडिया पेंटिंग बना रहे, दोस पेंटिंग शुड नॉट कम इन द मार्केट. सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड स्पॉन्सर सच इवेंट्स. कि कोई बाल्टी का एक स्कल्पचर बना दिए, कुछ भी बना दिए, सो पीपल नॉट लूज कॉन्टेक्ट विद दैट काइंड ऑफ पेंटिंग. क्योंकि जो फैक्ट है वो चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, द ऑल द म्यूजियम्स आर सिचुएटेड और housed in cities, big cities. Now in urban cities the land costs, it has gone like anything. Now you can't have any museum in a city. So now every museum you will find, if they are showing 100 paintings, they have put 1000 in their stock. So now they don't want any more painting. So what they have done in Europe, they created a space where you perform and go. There is no tangible art. There is nothing which you can hang on the wall. And if you allow it to run for at least 10 to 20 years, you become in a comfortable position where you can sell Sousa in few million pounds and dollars. मुझे ही लगता है क्योंकि अदरवाइज इसे कोई तो आगे बताएगा नहीं. पर ये तो एक सच कि और इसके पूरे जो खेल है, इसने मेट्रो आर्ट दैट इज दिल्ली एंड बॉम्बे एंड पार्टली बेंगलोर, दे आर टेकिंग लीड, नॉट इवन दैट. तो मुझे ये लगता है कि उसके बारे में बात ही मत कीजिए. बिकॉज दैट इज अ गेम इन बिटवीन टू गैलरीज. समटाइम दे जॉइन टुगेदर टू क्रिएट लिफ्ट एन आर्टिस्ट, और कभी कभी उसको गिराने का भी काम करता है. दिस इज इट. थैंक यू वेरी मच सर. So at the end of this wonderful talk show by Mr. Ashok Bhowmick, I would like to thank him for accepting our invitation and giving us the opportunity to travel through this wonderland of Indian art. I would like to thank Sunaina Kejriwal, director of Kamalayan Bajaj Art Gallery, for supporting our initiative by collaborating for art talks. I would also like to thank Mr. Sandeep Prabhakar for all his support and guidance. At the end, I would like to thank you all for your presence and the interest which you have shown in SAMVAAD. We are looking forward to your support in all our future activities. Tomorrow from 5 to 6:30 p.m., Mr. Ashok Bhowmick is going to talk on the relevance of Rabindranath Tagore in Indian art. So see you all tomorrow at the same place. Thank you so much. Have a pleasant evening. Bye.